कई बार सीरियल में रोमांस करते करते एक्टर्स असल जिंदगी में भी एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और फिर स्क्रीन पर दिखने वाली जोड़ी रियल लाइफ में बन जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ कहानियां बड़ी फिल्मी सी होती है। बिल्कुल स्टार प्लस के मशहूर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के एक्टर्स संजीव सेठ और एक्ट्रेस लता सबरवाल जैसी। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजीव सेठ ने लता सबरवाल से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी से इजाज़त ली थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजीव सेठ और लता सबरवाल ने पति पत्नी का किरदार निभाया था, लेकिन इस किरदार को निभाते निभाते ना जाने कब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन दोनों का मिलन इतना सरल भी नहीं था। दरअसल संजीव सेठ पहले से शादीशुदा थे और उनकी दो बच्चे भी थे। संजीव की पहली शादी अभिनेत्री रेशमा टिपनिस से हुई थी। इन दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर था। रेशमा की उम्र जब 20 साल की थी तभी उन्होंने संजीव से विवाह रचा लिया था। कुछ दिनों तक प्यार से रहे लेकिन फिर कलह शुरू हुई। 11 साल बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लता सबरवाल से प्यार होने के बाद भी संजीव सेठ ने काफ़ी दिनों तक उन्हें प्रपोज नहीं किया। संजीव को डर था कि कहीं इसका असर उनके प्यार पर ना पड़ जाए। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। लता को प्रपोज करने से पहले उन्होंने इस बारे में अपने बच्चों और पहली पत्नी से ये बात की और उनसे दूसरी शादी करने की इजाज़त मांगी। संजीव का ये व्यवहार देख उनका परिवार काफ़ी खुश हुआ। इसके बाद संजीव ने लता को प्रपोज किया। दोनों की शादी में उनकी पहली पत्नी ने भी हाथ बटाया। इस तरह संजीव और लता एक दूसरे के हो गए। साल 2010 में दोनों की शादी हो गई। तब से दोनों एक दूसरे के साथ सुखी जीवन बिता रहे हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।